इल्तिजा मुफ्ती मेरे साथ मौजूद है और लगातार बिजबिहाड़ा कंस्टिट्यूंसी में वो कैंपेनिंग कर रही हैं, लोगों के बीच है। तस्वीरें दिखाएं मेरे कैमरा पर्सन, आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में लोग उन्हें सुनने आते हैं, युवा चेहरा है और लगातार मुफ्ती फैमिली से जिस तरह महबूबा मुफ्ती इन इलाकों में पहुँचती रही हैं। अब इल्तिजा मुफ्ती, इल्तिजा जी ये बताइए, हाउ इज़ योर कैंपेनिंग डिफरेंट एंड हाउ यू आर ट्राइंग टू रीच आउट टू द पीपल, और क्या मुद्दे हैं आपके इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर? मैंने हमेशा कहा है कि मेरा कैंपेन इंक्लूसिव रहना चाहिए। इंक्लूसिव का मतलब हर मजहब का बंदा मेरे साथ जुड़े, वो हमारी लेडीज़ हो, माएँ हो, बहनें हो, बिकॉज यूजुअली ये नहीं निकलती है, इनको थोड़े एप्रिहेंशन होते हैं। मैं चाहती हूँ लेडीज़ भी मेरे साथ जुड़े, मैं चाहती हूँ नौजवान भी हमारे साथ जुड़े। और देखिए बर्निंग इश्यूज़ बहुत हैं, पिछले 5 सालों से जब से 370 हटा यहाँ बेरोजगारी है, महंगाई है, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है, आपने खुद देखा मिलिटेंसी जहाँ होती नहीं थी वहाँ भी अब पनप रही है। सो ऑल ऑफ दीज आर इश्यूज दैट आई वांट टू टेक अप एंड इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू रिजॉल्व। यही कॉन्स्टिट्यूएंसी क्यों आपने चुनी? क्योंकि आरोप भी लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री ने भी कहा कि डायनास्टिक रूल है, इल्तिजा मुफ्ती को यहाँ क्रिएट किया गया प्लेटफॉर्म वीरे साहब को हटाकर, तो क्या क्या रेस्पॉन्स रहेगा? आपके पास वक्त ज्यादा है कि ये फजूल वाले सवाल आपको पूछने? देखिए बोलने को तो बीजेपी ये भी कहती थी कि हम सबके बैंक अकाउंट में 15-15 लाख डालेंगे, डाले क्या? कोविड के टाइम इतनी डेथ्स हुई, कितना झूठ। मुझे एक बात बताइए, चिराग राव पासवान जो है वो क्या है? वो डायनस्ट नहीं है? अनुराग ठाकुर कौन सी पार्टी के हैं? उनके फादर भी BCCI कंट्रोल करते थे, मिनिस्टर भी बने, तो मुझे किसी को प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, ये लोगों के हाथों में है अगर वो मुझे कामयाबी देंगे कि नहीं। वी लिव इन अ डेमोक्रेसी, और जमहूरियत की यही खूबसूरती होते हैं कि लोग हैं, अवाम है जो डिसाइड करती है। इवन द प्राइम मिनिस्टर के नॉट डिसाइड इफ आई विल विन और लूज, इट इज़ द पीपल एंड दिस इज समथिंग आई विल लीव टू देयर विजडम। ये जो भी डिसाइड करेंगे सर आंखों पर, लेकिन कोशिश मैं पूरी करूंगी। ये जो वोटिंग परसेंटेज में इजाफा देखने को मिल रहा है लोकसभा से ही, और अभी भी उम्मीद है कि वोटिंग परसेंटेज में लोग खुलकर बाहर आएंगे, वोट करेंगे, इज दैट अकॉर्डिंग टू यू ए बिग चैलेंज फॉर मेनस्ट्रीम हियर इन J&K? व्हाई शुड इट बी अ चैलेंज? मेनस्ट्रीम तो चाहेगा कि जितने ज्यादा लोग हो सके वोट करें। मेनस्ट्रीम का तो यही काम है कि आप लोगों को इनकरेज करें कि उनको फेथ हो जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में। हालांकि जो मरकजी सरकार की कोशिश रही है, उनने डेमोक्रेसी को इन 5 सालों में अंडरमाइन ही किया है। ना यहाँ फंडामेंटल राइट्स है, ना यहाँ जमहूरियत है, सब कुछ सस्पेंड किया है। बट हमारी तो यही कोशिश रहेगी कि जितना ज़्यादा वोटर टर्नआउट रहे उतना बेहतर होगा। अच्छा ये बताइए, एक और आरोप है कि महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हम तो मॉरल ग्राउंड पर नहीं लड़ेंगे UT में, तो इल्तिजा मुफ्ती को लड़ा दिया, तो हाउ डू यू सी दैट एंड व्हाट इज योर रिएक्शन? आई एम नॉट हियर टू प्रूव एनीथिंग टू एनीबडी। और मैंने प्रीवियस इंटरव्यू में भी कहा, महबूबा जी मेरी मदर जरूर हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि जिस चीज को वो एक पर्टिकुलर तरीके से अप्रोच करें मैं भी करूं। मेरा मानना ये जरूरी है कि हमें कोई भी डेमोक्रेटिक स्पेस इन्हें सीड नहीं करनी चाहिए। महबूबा जी थोड़ी जज्बाती हैं, उनको लगा कि अगर वो इसी असेंबली में जाएंगी, पिछली बार शी वॉज चीफ मिनिस्टर ऑफ दिस असेंबली, जब वो MLA भी थी तो हमारा अपना झंडा था, अपने कानून थे, अपने रेजिडरी पावर्स थे। तो मेरी माँ और मैं, वी होल्ड द सेम ओपिनियंस, बट हमारा अप्रोच थोड़ा डिफरेंट है। तो लोगों को जितने इल्ज़ाम लगाने लगाए, मुझे तो टैक्स पे नहीं करना, तो लोग तो कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, सो दैट्स फाइन। अच्छा ये बताएं, कल को आई एम जस्ट आस्किंग योर ओपिनियन बिकॉज आई नो यू विल से कि पार्टी हाईकमान डिसाइड करेगी, कल को अगर सरकार बनानी हो और समर्थन देना हो तो आपको क्या लगता है, PDP को गवर्नमेंट फॉर्मेशन में सपोर्ट करना चाहिए चाहे जिसकी भी सरकार हो? मुर्गी ने अभी अंडा नहीं दिया तो आप अंडा मांगने? आपने कहा ना PDP इज द किंग, आपने कहा कि PDP इज द किंग मेकर, इफ यू रिमेंबर योर रिमार्क। आई रिमेंबर एवरीथिंग, लेकिन अभी मुर्गी ने अंडा नहीं दिया, आप अंडे गिन रहे हैं। So let's see what happens and then we'll see accordingly whatever has to be done. But I am of the opinion ki PDP ek bahut ahem kirdar play karegi in the government formation. Acha pichle kuch dinon mein PDP mein kafi log join kar rahe hain, agrawadi bhi join kar rahe hain, to aap ye bhi aarop lag rahe hain ki it is becoming a separatist party and soft ideological separatist party. Ek baat bataiye, mera interview ho raha hai, yahan katgadi hai ki aap mere pe aarop pe aarop pe aarop laga rahe hain। बोलने को तो आप कुछ भी कह सकते हैं। मुझे एक बात बताइए, जब जमात के लोग जाके इनकी प्रॉक्सी पार्टीज ज्वाइन कर रहे थे, इनको प्रॉब्लम नहीं था?
और ये वही जमात है जिनको आपने क्रिमिनलाइज किया 1987 के इलेक्शन में, और नतीजे आपके सामने हैं। जम्मू कश्मीर की जो हिस्ट्री है उसने एक दूसरा रुख लिया। दिस इज़ अ डेमोक्रेसी, सबको हक है कि वो पीसफुली अपना ओपिनियन रखे। तो आपको जितने आरोप लगाने हैं, मुझे तो ये इंटरव्यू कम मुझे लग रहा है, आपने मुझे कट गई। आरोप बाद में लगा लूंगा, पहले मैं ये पूछना चाहूंगा, व्हेन आई वाज फॉलोइंग यू थ्रू द रूट, पहलगाम कॉन्स्टिट्यूएंसी के रोड काफी खस्ता है, स्कूल्स में भी उस तरह का डेवलपमेंट नहीं है, उसको लेकर आवाम को क्या कहेंगे? व्हाट्स योर कमिटमेंट इफ यू विन फ्रॉम दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी? तो आप मुझे बताइए, पिछले 6 सालों से यहाँ जब डायरेक्ट रूल दिल्ली का आ रहा है, तो सड़कों की इतनी खस्ता हालत होनी चाहिए थी, एजुकेशन की इतनी खस्ता हालत होनी चाहिए थी? मेरे यहाँ कितने नौजवान है, आपका मुस्तकबिल बचाया क्या दिल्ली वालों ने? तो फिर सवाल आप पूछिए, मैं खत्म करता हूँ, उसके बाद आप पूछिए। यहाँ बेरोजगारी है, यहाँ महंगाई है, एंड पिछले 6 सालों से डायरेक्ट रूल है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। सो ऑफ कोर्स इंशाल्लाह अगर मैं एमएलए बन के आई तो मैं कोशिश करूंगी कि इन सारी प्रॉब्लम्स का हम मतलब मसले का हल करें। एक आखिरी सवाल है, आखिरी छोटा सवाल है, इन फाइटिंग विद इन पीडीपी काफ़ी ऐसे लोग हैं जो पीडीपी का एक तरह से कह सकते हैं पिलर रहे हैं, जब पीडीपी मुसीबत में थी उन्हें छोड़कर जाना पड़ा, तो हाउ डू यू फील एज एन इल्तिजा मुफ्ती एंड बडिंग पॉलिटिशियन ऑफ जेएंडके नाउ? चलिए, आपने मेरी थोड़ी तारीफ़ की, इतने इल्ज़ाम के बाद मुझे अच्छा लगा, उसके लिए शुक्रिया अदा। देखिए, इलेक्शंस हमेशा एक बहुत क्योटिक टाइम रहता है, बिकॉज जिनको आप मैंडेट नहीं देते वो नाराज़ हो जाते हैं, कोई ना कोई नाराज़ होता है, सियासत ऐसी ही होती है, कैरवान होता है, कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग बिखर जाते हैं, जो फिर बिखरते हैं वो भी आके आपसे फिर से जुड़ते हैं। सो दिस कीप्स हैपनिंग, ये नॉर्मल सी ही चीज़ है, तो ये चलता रहता है इलेक्शंस में। शुक्रिया हमसे बात करें। तो साफ तौर पर इल्तिजा मुफ्ती कैंपेन ट्रेलिस करते हुए भिजबेड़ा के इलाकों में, इनसे काफ़ी सवाल पूछे हमने, और इनके सवाल जो हमने किए वो आरोप ज़्यादा लगे उन्हें, लेकिन तमाम सवाल जो थे वो लोगों के थे, और साफ तौर पर हम कोशिश कर रहे थे ये दिखाने की कि किस तरह महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती इस भिजबेड़ा इलाके में कैंपेन ट्रायल कर रही हैं। देख सकते हैं आप वो लगातार इलाकों में जो है घूम रही हैं और लोगों से वोट मांग रही हैं। मुद्दे क्या है उनका भी सवाल पूछा गया, और पीडीपी पर जो आरोप लग रहे हैं वो सवाल भी पूछने की कोशिश TV9 बात वर्ष ने की। एक्सक्लूसिव हम आपको इल्तिजा मुफ्ती की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह वोट कैंपेन ट्रायल कर रही हैं, और बातचीत में ये स्पष्ट किया कि वो जो है लोगों के बीच आई है, और अगर वो चुनकर आती है तो वो काम करेंगी। वही पीडीपी के आरोपों पर उन्होंने ठीक समझा कि वो इन आरोपों को जो है अपने तरीके से जवाब दे, और कोशिश की कि जो है कोई विवाद खड़ा ना हो। लेकिन लगातार पीडीपी फिलहाल एक बार फिर से लोकसभा चुनाव के बाद असेंबली चुनाव में भी आइसोलेशन में ही चुनाव लड़ रही हैं, अकेले चुनाव लड़ रही हैं। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहाँ से मुफ्ती सईद, महबूबा मुफ्ती, अब्दुलरहमान वीरे पीडीपी के दिग्गज और वरिष्ठ नेता लगातार लड़ते आए हैं, रिप्रेजेंट करते आए हैं। अब जो है महबूबा मुफ्ती के लिए बेटी के लिए ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया, इस तरह सियासी आरोप है, और फिलहाल महबूबा मुफ्ती ने बातचीत में तमाम आरोपों को स्पष्ट करते साफ कर दिया है।